हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे LTE से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाला पावर कंट्रोल रिलेटेड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, और आखिर पावर कंट्रोल में जो हमारा PHR होता है, PHR मींस पावर हैंड रूम रिपोर्टिंग, क्या होता है और ये किस बेसिस पे वर्क करता है, ओपन लूप पावर कंट्रोल और क्लोज लूप पावर कंट्रोल आखिर है क्या, ठीक है, उस टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और डिस्क्रिप्शन में जितने भी रिलेटेड वीडियोज के लिंक दिए गए हैं आप उन पर जाकर देख सकते हैं। 4G, 3G, 2G और 5G या 6G से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज हैं। एरिक्सन, हुआवे या नोकिया से रिलेटेड भी आप देखना चाहते हैं, या ड्राइव टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी देखना चाह सकते हैं तो सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि EIRP क्या होता है। जो पावर से रिलेटेड अगर हम बात करना चाहते हैं तो सब रेडिएशन पावर से रिलेटेड, तो सबसे पहले जानना होगा EIRP क्या होता है। देखिए EIRP की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में। EIRP की फुल फॉर्म होती है इक्वेलेंट आइसोट्रोपिकली रेडिएटेड पावर, ठीक है, इक्वेलेंट आइसोट्रोपिकली रेडिएटेड पावर। आखिर ये होता क्या है, यूज क्यों होता है? ये यूज होता है रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ रेडिएटेड पावर फ्रॉम वायरलेस डिवाइस, यानी जो डिवाइस हैं वायरलेस डिवाइस हैं उनसे कितनी पावर रेडिएटेड हो रही है उनको रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। ये नहीं है अगर ज़्यादा पावर अगर वो रेडिएट कर रहे हैं तो उसने लिमिटेड पावर ही रेडिएट करनी है, उसके लिए ये यूज होती है, उसको मेजर करने के लिए यूज होती है। दूसरा वर्ड है TRP। TRP की फुल फॉर्म होती है टोटल रेडिएटेड पावर, ठीक है। TRP की फुल फॉर्म क्या होती है, टोटल रेडिएटेड पावर, यानी जो हमारा UE है उसकी टोटल रेडिएटेड पावर क्या है, ठीक है, उस बेसिस पर। देखिए हमें बता दें पावर क्लास जो होती हैं, अगर हम बात करें पावर क्लास, हमारी पावर क्लास 1 है, पावर क्लास 2 है, पावर क्लास 3 है और पावर क्लास 4 है। पावर क्लास 1 में जो हमारी TRP मैक्सिमम पावर होती है वो 35 dBm होती है, ठीक है। TRP 1 के लिए जो पावर क्लास 1 के लिए जो हमारी TRP मैक्सिमम पावर है वो 35 dBm है। पावर क्लास 2, 3, 4 के लिए जो हमारी TRP मैक्सिमम पावर है UE की वो 23 dBm होती है, ठीक है। और अगर हम EIRP की बात करें, EIRP मैक्सिमम पावर जो है हमारी पावर क्लास 1 के लिए 55 dBm होती है, 55 dBm, और पावर क्लास 2, 3, 4 के लिए EIRP जो मैक्सिमम पावर है वो 43 dBm होती है, ठीक है। यानी मैक्सिमम EIRP लिमिट्स किस लिए यूज होती है, क्योंकि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, यह इंश्योर करने के लिए कि डिवाइस डू नॉट ट्रांसमिट सच हाई पावर, यानी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हाई पावर पे ट्रांसमिट हो ना करें, जिससे कि किसी को हेल्थ इश्यू ना हो या इंटरफेरेंस क्रिएट ना हो। तो चलिए अब जान लेते हैं पहले पावर कंट्रोल, पावर कंट्रोल में हमारा ओपन लूप और क्लोज लूप होता क्या है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे पावर कंट्रोल, पावर कंट्रोल जो किस बेस पे वर्क करता है, मेजरमेंट बेसिस पे। ओपन लूप सबसे पहले हम जान लेते हैं ओपन लूप क्या होता है। देखिए ओपन लूप वो होता है जिसमें हमारा फीडबैक नहीं लगा होता है, ठीक है, फीडबैक की जरूरत नहीं होती है। और ओपन लूप हमारा मोबिलिटी केसेस में यूज होता है, ठीक है, देख सकते हैं आप ओपन लूप कहाँ पे यूज होगा, मोबिलिटी केसेस में, यानी जहाँ पे हम रन कर रहे होंगे, जैसे बसेस के अंदर, ट्रेन्स के अंदर, कार के अंदर, बाइक्स पर हम चल रहे हैं, यानी हमारा यूई अगर मूव्स कर रहा है, फास्टली मूव्स कर रहा है, तो उस केस में हमारा ओपन लूप यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर डिले नहीं चाहिए हम, अगर डिले होगा तो हमारा जो इशू वहाँ पे आने लगेगा, ठीक है। सपोज कीजिए हम हैंडओवर देना चाह रहे हैं, ठीक है, या कॉल कनेक्ट होना करना चाह रहे हैं, जो भी है वहाँ पर क्या होगा, इशू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। डिले ना हो उसी की वजह से ओपन लूप यूज हो रहा है और 4G में यूज किया गया है, ठीक है। सो देयर इज नो फीडबैक, अगर हम ओपन लूप की बात करें, देयर इज नो फीडबैक इन ओपन लूप। जैसे एग्जांपल देके भी समझाया गया है, जो रैक प्रोसेस होता है हमारा उसमें ओपन लूप पे वर्क करता है, उसमें फीडबैक नहीं होता। क्लोज लूप की बात करें, क्लोज लूप में हमारा फीडबैक होता है, यानी ये कहाँ पे यूज होता है, पेडेस्ट्रियन केसेस में, जहाँ पे हम स्टेयर केसेस में स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे डिले थोड़ा बहुत हो भी जाए तो चल जाएगा,
ठीक है, यानी माइमो एग्जाम्पल देके समझा गया है। माइमो में क्या होता है, हमारा फीडबैक यूज होता है, जिसमें टीपीसी ट्रांजिशन पावर कंट्रोल जो फीडबैक होता है वो यूज होता है। अब चलते हैं हम अपलिंक पावर कंट्रोल की तरफ। सबसे पहले हमें एक चीज़ तो पता ही है कि जो यूई होता है उसकी एक लिमिटेड पावर होती है, जैसे कि अभी बताया था टीआरपी पावर, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे क्लास 2, 3 और 4 के लिए 23 dBm होती है। ठीक है, इसकी यूई की लिमिटेड पावर क्या है, 23 dBm। और ये आप कहाँ पे देख सकते हैं यूई की लिमिटेड पावर को, सिप वन मैसेज के अंदर। सिप वन मैसेज अगर आप ओपन करके देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है पीएचआर का, जिसे हम पावर हैंडरूम रिपोर्टिंग बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम यूई अपनी पावर को बढ़ा सकता है, घटा सकता है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए पीएचआर का जो फॉर्मूला होता है वो यूई मैक्सिमम माइनस यूई करंट पावर होता है। सपोज कीजिए यूई करंट पावर 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, इनमें से कोई कुछ भी है जो कि आप अगर देख रहे हैं कहीं पर, और हमारी जो यूई की मैक्सिमम पावर कितनी है, 23 dBm। अगर उसमें सपोज कीजिए 15 करंट पावर 15 है, 15 dBm है, अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 8। यानी पीएचआर रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग जो यूई है वो अपनी पावर को बैलेंस कर सकता है, ठीक है, इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब इसमें दो चीज आती हैं, ओपन लूप पावर कंट्रोल और क्लोज लूप पावर कंट्रोल। ठीक है, दो चीज होती है, ओपन लूप पावर कंट्रोल और क्लोज लूप पावर कंट्रोल। अब ओपन लूप पावर कंट्रोल में भी दो सिनेरियो आ जाते हैं कि हमारा जो यूई है वो साइट के पास में है, यानी जो हमारा सेल सर्व कर रहा है उसके पास में है, और जो दूसरा यूई है वो हमारा सेल एज पर है, यानी साइट से काफ़ी दूरी पर है, जहाँ पर हमारा कवरेज खराब है, क्वालिटी खराब है और साइनार भी खराब है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी खराब हैं। तो उसके बेसिस पर हमारा, अगर हम पहले ओपन लूप की बात करें, अगर हमारा यूई साइट के पास में है, ठीक है, तो हमारा यूई मेजरमेंट मेजर करेगा कि आरएक्स लेवल क्या है, क्वालिटी क्या है उसकी, साइनार क्या है, ये सारी चीज़ मेजर करेगा। अगर आपका साइनार क्वालिटी ये सब कुछ अच्छा है तो आपका जो पीएचआर होगा, ठीक है, यानी जो यूई की पावर होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी, यानी वो हाई नहीं होगी। अगर आपका सिग्नल स्ट्रेंथ कम है, यानी यूई आपका सेल एज पर है, तो उसे डिकोडिंग करने के लिए अपनी यूई को अपनी पावर इंक्रीज करनी होगी। ठीक है, लेकिन ये जो पीएचआर का यहाँ पे टॉपिक आया है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, क्योंकि यूई को ट्रांस रिसीवर पर कॉन्स्टेंट साइनार मेंटेन करने के लिए, यानी मेंटेन रखना होता है, जो साइनार है कॉन्स्टेंट साइनार मेंटेन रखना होता है, जो अपना ट्रांस रिसीवर है यूई का उस पर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यूई अपनी पावर को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। ठीक है, यानी सेलेज पर अगर यहाँ पे साइनार सिग्नल स्ट्रेंथ खराब होगी तो यूई क्या करेगा, अपनी पावर को इंक्रीज करेगा मैसेजेस को डिकोड करने के लिए। अगर यूई अपनी पावर को इंक्रीज नहीं करता है तो वहाँ पे क्या होगा, मैसेज डिकोड नहीं हो पाएंगे, यानी आपका यूई नेटवर्क से लैस नहीं हो पाएगा और वहाँ पे कनेक्शन टूट जाएगा। अगर हम क्लोज लूप की बात करें, क्लोज लूप में हमारा फीडबैक यूज होता है, जिसका नाम टीपीसी है। ठीक है, टीपीसी ट्रांसमिट पावर कंट्रोल, ये कमांड आती है ई नोड बी से यूई के लिए क्लोज लूप पावर कंट्रोल में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ई नोड बी से यूई की तरफ एक कमांड आती है टीपीसी। ठीक है, इसमें DCI फॉर्मेट पे वर्क करेगा, DCI यानी 3 और 3 A फॉर्मेट पे, ये 1 बिट और 2 बिट का होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट क्या होता है, यूई अपनी पावर को इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए जो आपका क्लोज लूप पावर कंट्रोल होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिले होता है उसके साथ इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, जबकि ओपन लूप पावर कंट्रोल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही होता है आपका पावर कंट्रोल। और पीएचआर, जो कि आपने जाना किस तरीके से यू अपनी पावर को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितने भी डिस्क्रिप्शन में
लिंक दिए गए हैं 4G ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, 3G ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड या 2G ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड, उन्हें देखना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।